दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme X50 Pro। दोस्तों ये इंडिया का फर्स्ट 5G स्मार्टफोन बन जाता है। अभी तक कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो कि 5G हो और फर्स्ट में लॉन्च हुआ हो, लेकिन ये फोन जो है वो इंडिया का फर्स्ट 5G स्मार्टफोन है। इसमें क्या क्या आपको डिटेल्स मिलती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसमें आपको तीन वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, एक है 6128 और एक है 8128 और एक है 256 GB, यानी तीन वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले जो आपको वेरिएंट मिलते हैं 6GB रैम, उसका जो प्राइस है वो है 38,000 रुपीज, और उसके बाद जो 8128 का जो रेट है वो है यहाँ पे 40,000 रुपीज, और उसके ऊपर जो यहाँ पे सबसे ज्यादा यानी 12GB की जिसमें रैम मिलती है उसकी जो प्राइस है वो है यहाँ पे 45,000 रुपीज। यानी आपको तीन वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और फ्लिपकार्ट पे जो इसकी सेल है वो है यहाँ पे 6 बजे से, यानी जो शाम को यहाँ पे 6 बजे से सेल है फ्लिपकार्ट पे, जहां से आप जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा फोन नहीं है इस प्राइस रेंज में जो कि 5G अवेलेबल करवाता हो और इतनी ज्यादा फैसिलिटी के साथ आता हो। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली इसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तभी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की। तो ये मैट फिनिश के साथ आता है, ग्लास की बॉडी है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको आगे और पीछे दोनों की तरफ। इसमें आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक है रश रेड और एक है यहाँ पे मॉस ग्रीन। दोनों ही नए कलर है, दोनों का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा कमाल है, और यहाँ पे जो आपको ग्रेडियंट फिनिश तो देखने को मिल ही जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी वेट की। तो 207 ग्राम के ऊपर ये फोन देखने को मिल जाता है, तो ज्यादा हैवी नहीं है और ज्यादा लाइट वेट भी नहीं है आपको, यानी आपको ठीक ठाक ये फोन जो वेट है वो देखने को मिल जाता है। और इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे आपको 9.3 mm के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। जो एजेस है वो काफी ज्यादा कर्व है, तो आपको फोन पकड़ने में कोई भी ज्यादा दिक्कत होने वाली यहाँ पे नहीं है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिम स्लॉट की। तो यहाँ पे आपको फाइनली दो सिम का सपोर्ट है, यानी दो सिम तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड का आपको कोई भी स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है कि आपको इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है, तो यानी ईयरफोन की आपको प्रॉब्लम हो सकती है जिसे आप यहाँ पे फिजिकली नहीं लगा सकते हैं। आपको यहाँ से कनेक्टर लगा के ईयरफोन को यूज करना पड़ेगा, या फिर वायरलेस ईयरफोन आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी डिसएडवांटेज इस फोन में देखने को मिल जाती है। इसी के बाद दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की। तो 6.4 इंच की सुपर एमोलेड यहाँ पे डिस्प्ले दी गई है, और ये डिस्प्ले आपको 90Hz को सपोर्ट करता है, जिसे आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर आपको 60Hz पर रखना हो या फिर 90Hz, तो आप आसानी से इसे रख सकते हैं, अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो आपको UI है वो आपको Realme UI देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था, और इसमें जो फील होगा वो काफी ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि 60Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है, तो स्मूथ काफी फील होगा। अगर आप इसमें एनिमेशन देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें आपको थोड़ा भी लैग देखने को मिलेगा। तो जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, 6.4 इंच का है, तो यानी थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि जो भी फोन आते हैं अभी के टाइम में वो आपको 6.4 इंच के ऊपर ही आते हैं, या फिर 6.5 इंच तक जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो यहाँ पे आपको 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे बेजल्स है वो काफी कम किए गए हैं, तो जो डिस्प्ले का जो स्क्रीन रेशियो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा बेजल्स है, हालांकि थोड़ा सा नीचे चीन देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर साइड से देखेंगे तो आपको बिल्कुल कम बेजल्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोसेसर की, जो कि मेन फैक्टर होता है किसी भी फोन का, तो इसमें आपको लेटेस्ट क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको 7nm के टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है, और इसमें जो आपकी बैटरी है वो भी बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पे खर्च होने वाली है, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो भी आपको सुपर एमोलेड देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी जो बैटरी कंजप्शन है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो जाएगी। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो इसकी क्लॉक स्पीड है वो 2.8 GHz के ऊपर देखने को मिल जाती है, जो कि किसी भी गेम को यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। कोई भी अगर आप गेम खेलते हैं, हाई एंड परफॉर्मेंस गेम, तो आपको कोई भी लैग यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है।
अगर दोस्तों यहीं पर अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे एड्रीनो की तरफ से 650 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे जो प्रीडिसेसर है 640 उसे 25% बेटर देखने को मिल जाता है। तो जो पॉक्स गेम है वो काफी आपको ज्यादा अच्छा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों यही नहीं, इसकी जो स्कोर भी निकल के आई थी वो भी यहाँ पे 5,91,000 से ऊपर आई थी, यानी सबसे ज्यादा है यहाँ पे स्कोर किसी भी फोन का। यहाँ पे अभी तक इतना स्कोर नहीं है, तो इसमें भी आप यहाँ पे जज कर सकते हैं कि फोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे दमदार होने वाला है। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैमरा की, जो कि बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है आज के समय में, क्योंकि इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ यानी रियर साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार कैमरा देखने को मिल जाएंगे। 64 मेगापिक्सल जो है वो है इसका प्राइमरी कैमरा, जो कि आपको 1.8 अपर्चर के साथ आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसमें आपको सोनी का कैमरा नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको सैमसंग का G1 सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी फोटो लेता है। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे किया गया है कि आपको सोनी का सेंसर नहीं देकर यहाँ पे सैमसंग का सेंसर दिया गया है, तो फोटो जो क्वालिटी है वो काफी आपको ठीक ठाक यानी अच्छी देखने को मिल जाएगी, लेकिन सोनी इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे टेलीफोटो लेंस दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है, जिसे आप अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ सेंसर दिया गया है और इसी में इंक्लूड है यहाँ पे मैक्रो लेंस, यानी सारी जो फैसिलिटी है कैमरा की वो आपको यहाँ पे भर भर के दी गई है। कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिया गया हो। और यही नहीं दोस्तों, इसमें आपको सुपर एसटीडी मोड का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे रियलमी ने बताया नहीं है कि EIS है या फिर OIS का सपोर्ट है। सीधा यहाँ पे बताया गया है कि इसमें सुपर एसटीडी मोड का सपोर्ट है, तो आप जो यहाँ पे वीडियो अगर बनाएंगे शूट करेंगे तो उसमें जो है काफी ज्यादा स्टेबलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यही दोस्तों, अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 कैमरा आगे देखने को मिल जाता है, जो कि पंचोल में देखने को मिलता है। पहला जो कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का और उसके बाद यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फीचर है वो आपको f2.0 का देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको सुपर स्टेडी मोड दिया गया है, तो वीडियो में स्टेबलाइजेशन रहने वाली है। और यही नहीं दोस्तों, इसमें बुके मोड की भी फैसिलिटी दी गई है, जो कि कुछ दिन पहले आपको नोट 10 प्लस में दिया गया था, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अगर आप टिकटॉक की वीडियो शूट करते हैं या फिर कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपको पीछे की तरफ ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और यानी जितनी भी फैसिलिटी है कैमरा में वो आपको दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड हो या फिर कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को यहाँ पे मिसिंग नहीं है। पूरी फैसिलिटी जो है कैमरा की वो यहाँ पे दी गई है। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 4200 mAh की यानी 4200 mAh की बैटरी यहाँ पे दी गई है, जो कि इनफ है। बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पे बैटरी दी गई है। लेकिन जो इसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे दिया गया है, रियलमी की तरफ से पावर्ड बाय 65 वाट सुपर डार्ट चार्जर, जो कि बहुत ही पावरफुल है। इंडिया में ये सबसे पहला चार्जर है जो कि आपको 65 वाट यहाँ पे टेक्नोलॉजी देती है, जो कि आपको 35 मिनट में आपके फोन को फुल चार्ज कर देती है। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको UFS 3.0 का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसे आपकी रैम की जो रीड राइट स्पीड है वो काफी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो लेटेस्ट है वो यहाँ पे है 3.1 UFS का स्टोरेज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है, 3.0 का स्टोरेज यहाँ पे दिया गया है। और इसी के साथ आपको LPDDR5 GB दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 765 में इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। इंटीग्रेटेड यहाँ पे 5G मॉडेम का सपोर्ट है, तो 5G और 4G आपको बेहतर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। डाउनलोड और अपलोड स्पीड भी जो है वो भी आपको काफी ज्यादा है, यानी 4G से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अफसोस यहाँ पे आप 5G तो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 से 3 साल तक यहाँ पे आपको 5G का कोई भी नामो निशान यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। आगे हम दोस्तों बात कर रहे थे यहाँ पे नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे वीडियो देखने के लिए, यहाँ पे Wide 1 L1 का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप फुल HD में यहाँ पे वीडियो कंटेंट देख सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर आप GCam भी पसंद करते हैं तो इसका भी सपोर्ट इस फोन में, आप गूगल प्ले स्टोर या फिर कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और GCam का भी लाभ यहाँ पे उठा सकते हैं। एक बात दोस्तों मैंने आपको बोलना भूल गया कि जो कैमरा है वहाँ पे टेलीफोटो लेंस, उसमें आपको 5x यहाँ पे जूम दिया गया है और उसे आप 20x तक यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है रियलमी की तरफ से कि आपको इसमें कौन सा जूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो टेक्नोलॉजी है
यानी यहाँ पे आपको तीन देखने को मिल जाती है, ऑप्टिकल जूम, हाइब्रिड जूम और डिजिटल जूम। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें आपको डिजिटल जूम देखने को मिल जाती है, हो सकता है कि आपको इसमें 5x ऑप्टिकल जूम हो और उसके बाद जो 20x तक जाती है वो आपको शायद डिजिटल जूम तक देखने को मिल जाती होगी। यही नहीं दोस्तों, इसमें आप स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 960 FPS पे, और बहुत ज्यादा आपको इसमें फैसिलिटी यानी पूरे तरीके से ये फोन को जो है कवर किया गया है। कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे मिस नहीं की गई है, सिर्फ जो यहाँ पे दिक्कत है वो यहाँ पे आपको 3.5mm ऑडियो जैक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जो कि थोड़ी सी यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग बात है, और मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन यहाँ पे नहीं किया है, UFS 3.1 का स्टोरेज यहाँ पे नहीं दिया गया है, 3.0 का स्टोरेज है, और यहाँ पे जो कैमरा है उसमें सोनी का सेंसर दिया जाता तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, लेकिन जो इसकी प्राइस है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हमें जो एस्पेक्ट है वो इतनी ही रखनी चाहिए जितनी इसकी प्राइस है। तो इसकी जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दी सबसे फर्स्ट में ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। अभी इस मार्केट में कोई भी ऐसा फ़ोन यहाँ पे नहीं है जो कि इस प्राइस के साथ इतने फीचर्स के साथ इतना कुछ दिया रहा हो, चाहे यहाँ पे वन प्लस हो या फिर हो यहाँ पे शाओमी या फिर कोई भी ब्रांड हो, इतनी ज्यादा फैसिलिटी के साथ कोई भी फोन यहाँ पे इस रेंज में अभी तक नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप ये फोन खरीदने के लिए एक्साइटेड हो, या फ्लिपकार्ट पे आज 6 PM में सेल है तो कितने लोग आज इस फोन को यहाँ पे बाई करने वाले हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, अगर कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। मैं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।